मैनेजमेंट किसी भी फार्मिंग में बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रीड ऐसी होनी चाहिए जिसकी ग्रोथ अच्छा हो, जिसके माता पिता ऊंचे लंबे होंगे तो बच्चे ऐसे ही आएंगे। सांड देखो, ये एक जो सांड है ना, तो फार्म में बड़ा महत्व होता है। इस सांड की जो लेंथ है ये करीब मेरा 6 फुट, तो ये 6 फुट से भी लंबा है। इसमें माँ बाप में वैसे बच्चे पैदा हुए। खासियत है जितना इसको आराम मिलेगा उतना ही वेट लेगा। सर्दी आने वाली है तो 15 दिन के बाद इसके बाहर हम तिरपाल लगा देंगे। प्रॉफिट अच्छा होगा तो हम फार्मिंग कर पाएंगे। साल में जो बंद करने वाली जो स्थिति आती है वो मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। मैनेजमेंट अच्छा होगा कभी फार्म बंद नहीं होगा। या मेहनत नहीं कर पाओगे तो बंद होगा, या मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी तो बंद होगा। खुद की हाजिरी हमारी फार्म में रहनी चाहिए। बाकायदा रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें। ये एक प्रॉफिटेबल धंधा है, लेकिन इस रिकॉर्ड को और अपने फार्म में हर रोज की निगरानी रखेगा तो कोई कारण ही नहीं है अगर ये धंधा बंद हो जाए या फेल हो जाए या हमें लॉस हो जाए। दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर आप अपना बिजनेस कई गुना बढ़ा सकते हैं। साथ ही देश के हर किसान भाई से सीधे जुड़ सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपना माल खरीद व बेच भी सकते हैं। बस आपको ये करना है, अपना नाम, गांव का नाम और अपने राज्य का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप कर देना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम जगबीर सिंह, गांव शहर मालपुर, तहसील समालखा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा। जी सर, मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट किसी भी फार्म को बढ़ा देता है और किसी को भी डुबो देता है, तो ऐसा क्या है मैनेजमेंट में, किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे उसके देख रेख होनी चाहिए, वो सब थोड़ा सा एक डिटेल में बताओ ताकि जो नए फार्मर हैं जो इस काम को करना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, वो मैनेजमेंट अपना सही करके चलें ताकि लॉस ना हो उनको। सर मैनेजमेंट किसी भी फार्मिंग में बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, मैनेजमेंट का मतलब है देख रेख। देख रेख में सबसे पहले जो है तो हमने ब्रीड का चयन करना है। ब्रीड ऐसी होनी चाहिए जिसकी ग्रोथ रेट अच्छा हो, जिसके माता पिता ऊंचे लंबे होंगे तो बच्चे ऐसे ही आएंगे। सर ये आप थोड़ा बताएं ब्रीड कैसी होनी चाहिए। जैसे आप ब्रीड, जैसे आप ये बोर देख रहे हैं सर, जैसे ब्रीड है ना, जैसे माँ बाप होंगे। अब ये सांड देखो, ये जी, ये एक जो सांड है ना, तो फार्म में बड़ा महत्व होता है मेल फीमेल का। इस सांड की जो लेंथ है ये करीब मेरा 6 फुट से 6 फुट रैंक की जो चौड़ाई है, इसको हम इस तरह करेंगे तो ये 6 फुट से भी लंबा है। इसमें पूरी तरह जैसे मुंह लग गया, ये लग गया, पूरी तरह आ नहीं पाएगा। जी जी। लंबाई ऊंचाई ब्रीड का चयन करेंगे हम, उसके पैर कैसे हैं, कंधे कैसे हैं, ऊंचाई कितनी है, लंबाई ऐसे ही फीमेल का। जब हमारे मेल फीमेल दोनों अच्छे होंगे तो हमारे फार्म में ब्रीड अच्छी होगी। इससे अगर इससे अधिक लाभ अच्छी होगी मकान की, हाँ मकान भी अच्छा। हाँ वही बात आ गई भाई, जैसे माँ बाप हैं वैसे बच्चे पैदा हुए। इसमें दूसरा हिस्सा जाता है शेड का। शेड कैसा होना चाहिए, जैसे ये अपना शेड देख रहे हैं आप कि थोड़ी ऊंचाई भी ठीक होनी चाहिए, कम से कम 12-13 फुट। इसका जो बीच वाला जो हिस्सा है ये करीब 13.5-14 फुट पे है, जो साइड का है तो 11 फुट पे है। शेड इस तरीके का होना चाहिए जो, जैसे हमारे यहाँ कई मौसम आते हैं, सर्दी भी आती है, बारिश भी आती है और गर्मी भी आती है। गर्मी में ऐसा होना चाहिए जैसे आप देख रहे हो इस पर बाहर मच्छरदानी लग रही है, मच्छरदानी लगा देंगे, इससे फायदा होगा, बाहर के जो कीट हैं वो बहुत कम आओगे, मक्खी मच्छर बहुत कम आओगे, परेशान नहीं होगा, आराम से वो सोएगा। जितना ये जानवर में खासियत है, जितना इसको आराम मिलेगा उतना ही वेट लेगा। उसके बाद आ जाता है सर्दी। अब इसमें हम सर्दी आने वाली है तो 15 दिन के बाद इसके बाहर हम तिरपाल लगा देंगे, तिरपाल की व्यवस्था कर देंगे चारों तरफ। उसमें हमें देखेंगे भाई, जब गर्मी अंदर थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए गर्मी तो होगी तो तिरपाल को ऊपर उठा देंगे आधा आधा, जिससे हवा की क्रॉसिंग हो जाएगी। और यदि ज़्यादा ठंड हो जाए किसी कारण, जैसे अपने दिसंबर में जनवरी में कई बार ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो तिरपाल नीचे गिराया गया। और इसमें हमें भट्टी की, जो लकड़ी वाली जो भट्टी है, उसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं, जिसे उससे टेम्परेचर मेंटेन करना है, ज़्यादा डाउन है तो अंदर हम भट्टी लगा देंगे। वहाँ पीछे देख रहे हो आप 2-3 पाइप भी लगी हुई हैं भट्टी की। और उससे अगला जो हमारा मैनेजमेंट पे जो पॉइंट आ जाए, तो वो एक मेन हिस्सा है फार्म की साफ सफाई। जितनी हमें फार्म के अंदर साफ सफाई रखेंगे उतना ही बीमारी कम आएंगी। जब हमारे फार्म में बीमारी कम आएंगी तो हमारी जो प्रॉफिट है, जो बचत है, वो बढ़ जाएगी। प्रॉफिट अच्छा होगा तो हम फार्मिंग कर पाएंगे। जो प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कोई फार्मिंग कर नहीं पाएगा। इसमें साल में जो
बंद करने वाली जो स्थिति आती है वो मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। मैनेजमेंट अच्छा होगा कभी फार्म बंद नहीं होगा, या मेहनत नहीं कर पाओगे तो बंद होगा, या मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी तो बंद होगा। मेहनत भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी ठीक है, हमारी साफ सफाई है, खाना है, सब कुछ है, तो उससे हमारी ग्रोथ रेट जानवर का बढ़ जाएगा, ग्रोथ बढ़ेगी तो फायदा बढ़ेगा। इसके इसमें थोड़ा सा अपना बीमारी संबंधी, ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। जब हम ने फार्मिंग शुरू करी है तो फार्म में हम अपना जो हाजिरी है, खुद की हाजिरी हमारी फार्म में रहनी चाहिए, हर जानवर पर नज़र होनी चाहिए, जिस जानवर ने खाना खाया है, किसने खाना नहीं खाया है। तो जब जानवर खाना नहीं खा रहा तो हम उसी दिन उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो जानवर जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि हमारी लापरवाही रहेगी, दो दिन चार दिन हम उसको दवाई नहीं दे पाए, जानवर को देख नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, तो उससे जानवर मर भी सकता, जो एक फार्म का लॉस का हिस्सा है। दूसरा सर, ये भी देखा गया है जो भाई जो फार्म स्टार्ट करते हैं वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, उनको ये नहीं पता होता कब किसको गैबिंग कराना है, कब किसको बच्चे को जो है दवाइयाँ देनी है, तो ये क्या कारण है? एक रिकॉर्ड इसमें सबसे जरूरी है, रिकॉर्ड की एक अहम भूमिका रहती है। जैसे हमने एक फीमेल आज क्रॉस कराई है, 115 दिन इसका गर्भकाल है, तो हमें पता लगेगा, रिकॉर्ड होगा, तो भाई आज 26 तारीख को मतलब ये क्रॉस कराई है तो ये फलानी तारीख को ब्यागी, ताकि उसको ब्याने से पहले हम अलग कर सकें, बिल्कुल अकेली उसको ब्याने से पहले हम एक महीना पहले अलग रैंक में रोकें, जिससे वो आराम से खाए, आराम से पिए, क्योंकि इसमें जो बच्चे की जो ग्रोथ है ना वो लास्ट के 30 दिन में होती है, और ये मैनेजमेंट का हिस्सा है, क्योंकि मैनेजमेंट में हमें पता होगा तो इस दिन ब्यागी तो हम उसको अलग कर पाएंगे। फिर समय समय पर एंटीबायोटिक, जैसे आयरन की से पशु में बहुत कमी पाई जाती है, और आयरन की पूर्ति के लिए हमें इसमें चारे की व्यवस्था भी, या कोई टेबलेट वगैरह या जवार वगैरह, वो भी हमने रूटीन में देनी चाहिए। दूसरा सर, ये जो फार्म जो चलाते हैं भाई, तो वो समय समय पर हर हफ्ते में या तीन दिन में या दो दिन में कितनी फीड खिला रहे हैं, कितना वजन ले रहे हैं, तो वो भी एक बार नाप तोल के देखते रहे कि जो फीड खिला रहे हैं उससे वजन बढ़ रहा है? हाँ, इसमें हम जो अपना फीड हो या कंपनी से फीड ले रहे हैं, यदि हम 50 किलो फीड खिला गए और उसमें हम 25 किलो, 22 किलो, 23 किलो, 20 किलो वेट ले रहे हैं, तो हमारे को फायदा है। यदि हमें उसको 50 किलो ही फीड खिला, 50 किलो ही मतलब उसका वेट ले, तो कोई फायदा नहीं। ये हमें उसके में देखना पड़ेगा भाई फीड हम कितना खिला रहे हैं, और वो बाकायदा रजिस्टर में लिखना पड़ेगा, एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसको हमारे को ध्यान रहे, वैक्सीन का भी ध्यान रहे, भाई 6 महीने में वैक्सीन होती है, रिकॉर्ड होगा तो हमें पता लग जाएगा, अपनी कॉपी देखेंगे, रजिस्टर देखेंगे, भाई इसका अगली वैक्सीन फलाने दिन होनी है जी। तो रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पानी की जो व्यवस्था है, पानी जैसे मैंने देखा होगा अपने, इसमें निप्पल लग रही है जी, और इस निप्पल से एक तो पानी शुद्ध मिलेगा, पीने को शुद्ध मिलेगा, हम बाहर खुली बना देते हैं उसमें ये पेशाब करेंगे, टट्टी करेंगे, पानी अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, बीमारी आएगी। साइड के ऊपर टंकी रखी है, टंकी से निप्पल द्वारा ये सारे पानी पिएंगे, इससे हमारे दो फायदे होंगे। एक तो हमारी जो पानी की जो वेस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी, क्यों, जितना पानी पीना है जानवर ने, एनिमल ने, उतना ही उसमें मुंह लगाएगा उस नाल ले। दूसरा सर, क्या आप संदेश देना चाहते हो युवा भाइयों को? मैं युवा भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, इस जो पिगरी का जो काम है, पिग फार्मिंग है, ये गलत नहीं है, ये एक प्रॉफिटेबल धंधा है, लेकिन इसमें हमने एक रिकॉर्ड बनाना, हम क्या खिला रहे हैं, कब खिला रहे हैं, कब वैक्सीन दे रहे हैं, एक रिकॉर्ड रखना है, और हर रोज अपने फार्म में एक अपनी नज़र से एक निगरानी करनी है, भाई कोई जानवर हमारा बीमार नहीं है। तो जो फार्मर इस रिकॉर्ड को और अपने फार्म में हर रोज की निगरानी रखेगा, तो कोई कारण ही नहीं है अगर ये धंधा बंद हो जाए या फेल हो जाए या हमें लॉस हो जाए। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद सर। थैंक यू।